व्हाट्सएप यूट्यूब। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पुरुलिया से कोलकाता की तरफ में। मेरे सामने है निंजा 1000 में बाइक बज़ाहिर, और उनके आगे है सुजुकी हायाबूसा पे अली, एंड और एक बंदा जो हमारे साथ काफ़ी तेज़ी से बाइक चला रहा है वो हमारे इमरान भाई हैं। वो बेसिकली अपनी 650 लेके काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ गए, इसलिए नज़र नहीं आ रहे मुझे, और ये काफ़ी अच्छा एक्सेलरेशन। सो हम लोग एक्चुअली ज़ाहिर और मैं जो है हम लोग कनेक्टेड है अभी ब्लूटूथ में। तो यस एग्जैक्टली, तो हम लोग बात कर रहे हैं। ये मैंने उसे अभी इशारा किया था कि पता नहीं किस बारे में बात कर रहे थे, बट इशारा बेसिकली किया था रास्ते को लेके, और मैं कह रहा था कि थोड़ा जल्दी चलाओ यार, 100-120 की स्पीड में चलाने वाला रास्ता ही है नहीं, स्पेशली जब हाथ में BMW होती है तब तो मत ही बोलिए। ऐसे जैसे अभी अली चला रहा है इको मोड में, वैसे तो मुझसे चलाया जाएगा नहीं BMW लेके, इसीलिए मैं थोड़ी देर तक साथ में चला लेता हूँ 120 की स्पीड पकड़ के, पर जैसे मुझे थोड़ा सा स्ट्रेच मिलता है तो वहाँ 200-250 मारना बहुत मामूली सी बात है इस बाइक के लिए। कोशिश कर रहा था मैं काफ़ी देर से कि थोड़ा स्लो चलाता रहूँ, ज़रूरी नहीं है कि एकदम फास्ट चलाना ज़रूरी होगा, बट सी क्रूजिंग एट 130-140 इज़ अ वेरी एडिक्वेट स्पीड, बट क्योंकि मैं इसके पहले ड्राइव कर रहा था और अभी मैंने बाइक पे अपना मतलब थ्रॉटल पे हाथ रखा है तो ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे चलाने पे। अभी जो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं एक बार अली को बोलता हूँ कि भाई BMW और हायाबूसा का एक बार साथ में ड्राइव करते हैं हम लोग दोनों, पता नहीं वो समझेगा कि नहीं समझेगा, आगे में ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है। ये यार देखो पक्का ट्रक का टायर पंचर था, इसीलिए वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ हो रहा था, मतलब एक गाड़ी तो लिटरली उल्टा ही खड़ी हुई थी। काफ़ी सारा ट्रेलर लगा हुआ था, बट हमको यहाँ पे जैसे थोड़ा सा भी स्पेस मिलता है मैं सोचता हूँ यार कि इतना आहिस्ते चला के क्या फ़ायदा है, थोड़ा सा तो पुल किया जाए। तो मैं पूरी तरह झुक जाता हूँ और बाइक को एक्सेलरेट करता हूँ, सीधा 200 की स्पीड पहुँच जाता हूँ इन नो टाइम। जहाँ थोड़ा सा स्ट्रेच ज़्यादा मिल जाता है तो आप उसको 300 भी लेके जा सकते हैं, बट आई होप यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ना हो इतना स्पीड चलाने से बाइक को। तो ये हमको एक स्ट्रेच मिला था जहाँ पे मैंने 279 पुल किया था, ये बेसिकली मैं सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम अटेम्प्ट कर रहा था 299 के लिए, बट हो नहीं पाया, अफसोस की बात है। पहली बार भी जो मैंने अटेम्प्ट किया था तो उसमें भी 297 ही तक मैं जा पाया, उसके बाद जा नहीं पाया था। तो अभी जो है मैंने काफ़ी ज़ोर से बाइक को चला दिया है और सामने जैसे मैंने ट्रैफिक देखा है तो मुझे देख के लगा कि बाइक की ब्रेकिंग के ऊपर जो मुझे कॉन्फिडेंस है कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए। इवन दो BMW तो वन फिंगर ब्रेकिंग के लिए बहुत फेमस है, बट अगर वो ब्रेकिंग ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाती है तो अच्छे अच्छे राइडर्स जो है वो घुस जाते हैं सामने गाड़ी के अंदर। एंड आपको पता है कि ये जो डेडली स्पीड है जिसमें हम लोग बाइक चला रहे हैं, इसमें आदमी के लिए बचना बहुत, आई थिंक इट्स अराउंड 20% के जान बचे, बाकी 80% तो पक्का है कि भाई ये आदमी ऊपर ही जाएगा सीधा।
तो गाइज ये बेसिकली हम लोग राइड के एंड में आ गए हैं. मैं डांकुनी ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूं एंड जो बाइक के ओनर है उनको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूं. रॉनी शेख नाम है उनका. 2019 स्टैंडर्ड BMW एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज़ ट्यून्ड एज एन HP4 सो इट्स पावर आउटपुट इज 200 BHP प्लस. आई थिंक 210 प्लस होना चाहिए. एंड यहाँ पे वीडियो को हम लोग अंत करते हैं. प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड डू लाइक. And till then, ride safe and ride hard.